Today we have with us the first women hockey player to receive the highest sporting honor, Khel Ratna. The queen of Indian hockey, the Haryanvi girl, Rani Rampal. Welcome to the show, Rani. Thank you. Now, first of all, congratulations, Rani Rampal, for the Indian women's hockey team climbing to the sixth position in the FIH World Hockey Rankings, India's best ranking so far. How does it feel? Yeah, it's a special feeling because India, Indian women's hockey team ki sabse highest ranking hai abhi tak ki, sixth world rank mein. Mujhe lagta hai maine jab debut kiya tha, we were 13th in the world ranking and abhi sixth pe hain, to bahut sari मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स की, इवन जो आज नहीं भी है इंडियन टीम में, जो खेल के जा चुके हैं, या बहुत सारे कोचेज या जो भी हमारा कोचिंग स्टाफ रहा है, सबकी, बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत है, बहुत सारे प्लेयर्स कोचेज सबकी की जो आज वुमेन्स हॉकी टीम सिक्स रैंक पे है. एंड आई एम रियली होपफुल कि फ्यूचर में जो है वो हम और भी, हमारी जो वुमेन्स टीम है और हाइएस्ट लेवल पे जाए, कि हम टॉप थ्री में आए. जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं. सेकेंडली, वी वुड लाइक टू नो रानी, पहली पद्मश्री, राइट, देन खेल रत्न, व्हाट डू दीज इंडिविजुअल रिकॉग्निशंस मीन टू यू एंड योर फैमिली? जैसे मैम पद्मश्री है, खेल रत्न है, कोई भी जो एक ऑनर होता है जो आपको अपनी कंट्री से मिलता है, वो हमेशा ही स्पेशल होता है. एक ऑनर फील करते हैं हम कि आपकी कंट्री ने आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है. स्पेशली मेरे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये जो अवार्ड्स हैं ये इंडिविजुअली सिर्फ मेरे से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वुमेन्स हॉकी को रिकॉग्नाइज किया जाता है. जब वुमेन हॉकी को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हमारी गवर्नमेंट होगी या हमारे कंट्री के लोग होंगे कि वो सब को शायद लगता है कि वुमेन्स हॉकी बहुत सालों से मेहनत कर रही है, उनको अभी टाइम है उनको रिवार्ड करने के लिए. सो मुझे स्पेशली फैमिली के लिए, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, अगर आपने मेरे जैसे फादर मदर को देखा है तो उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग रहती है हमेशा से, बिकॉज हमारी फैमिली में, या मैंने भी थोड़ी कभी सोचा था कि हम कभी अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम ये सब अवार्ड्स जो हैं वो रिसीव करेंगे. एंड जब आप अपनी फैमिली के साथ साथ ही ये सब चीजें रिसीव करते हो, देन इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, कि आपने कभी सोचा नहीं, आपके फादर मदर ने कभी सोचा नहीं, लेकिन वो चीजें जब आपकी मेहनत से होती है, एंड ऑफ कोर्स वो भगवान की कृपा पे हमेशा रहनी चाहिए ये सब चीजों को करने के लिए. Agreed, agreed, Rani. Now, like it's been more than a decade since you debuted for India. How have you changed over the years? ये बदलाव के बारे में जरा बताइए हमें. बहुत बदलाव आया मैम. लास्ट अगर हम 12-14 साल की बात करें, जब मैंने डेब्यू किया था, तब से लेके अभी तक डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले किया है टीम में. कि डेब्यू जब करते हो, आप सबसे मोस्ट यंगेस्ट प्लेयर होते हो, एंड आपको सीनियर्स के साथ रहना है, उन प्लेयर्स के साथ रहना है जो ऑलरेडी इंडिया के लिए 10-10 साल से खेल रहे हैं, उनके साथ खेलना है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक्साइटमेंट भी होती है, ऑनर भी होता है उनके साथ खेलना, बिकॉज वो आपके आइडल्स होते हैं. आप उनको देख के सीखते हो, आपका ड्रीम होता है कि आप कभी उनके साथ खेलो जैसा वो खेलते हैं. एंड देन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होने लगती हैं जब आप 4-5 साल टीम में खेलते हो, कि आपको फिर और यंग जो न्यू कमर्स आते हैं टीम में उनको भी साथ में लेके खेलना है. देन आप कंट्री को लीड करते हो, देन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी टीम को आपको साथ में लेके चलना है. बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, पूरी टीम को सेम पेज पे रखना है आपको, एंड सेम मिशन के लिए खेलना है. लेकिन यस, मेरा जब से मैंने डेब्यू किया अभी तक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ही वो था कि हंगर अभी भी सेम है खेलने की, कंट्री के लिए जो डेब्यू में थी और अभी है. पैशन अभी भी वही है कि कंट्री के लिए कुछ करना है, टीम के लिए कुछ करना है.
लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाती है एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि आपको एडजस्ट करना चाहिए. लेकिन यस, आई ट्रूली बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जांपल. नो मैटर आप कैप्टन हो नहीं कैप्टन हो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ रोल रहता है टीम में. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना रोल जो है वो बेस्ट वे में जो है प्ले कर सकूँ. यस, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब गलतियां करते हैं. मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन या हम वो गलतियों को एक्सेप्ट करके हमें उससे सीखना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए. Exactly. So, like in connection with the same thoughts, I have my next question. How many, you know, many young players have said you are a calming influence in the team as captain. So, your thoughts? I think it's a big compliment for me. Because मैंने भी ये चीजें ना over the period सीखी हैं. क्योंकि हर किसी को गुस्सा आता है लाइफ में ना, हर इंसान को गुस्सा आता है. मुझे लगता है अगर कोई बोलता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, वो झूठ बोलता है. क्योंकि सबको गुस्सा आता है लाइफ में ना, लेकिन आप उसको और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज वो ह्यूमन नेचर है. एंड लेकिन ओवर द पीरियड ना, कि उन चीजों से हमें डील कैसे करना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि हम कैसे स्टिल हम काम रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं जब आपको लगता है. बिकॉज जब चीजें सही चल रही होती हैं, इट्स रियली इजी आपको ना पॉजिटिव रहना, काम रहना, वो बहुत इजी होता है. लेकिन जब नहीं सही चल रही, उसमें काम रहना या पॉजिटिव रहना इज डिफिकल्ट. एंड मैंने भी वो चीजें बहुत सालों में सीखी हैं कि बिकॉज लाइफ में कोई गलती नहीं करना चाहता. सेम हमारी टीम में भी जैसे होता है कि कोई हारने के लिए नहीं खेलता, कोई गलती करने के लिए नहीं खेलता. सब चाहते हैं कि हम जीतें, सब चाहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं. इंडिविजुअली हम चाहते हैं, सब एज अ टीम चाहते हैं. लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम सब ह्यूमन बींग हैं, हमसे गलती हो जाती है. लेकिन अगर हम गलती के डर से नहीं खेलेंगे तो हम 50% अपना खेल पाते हैं. तो मुझे ये रहता है कि जितना टाइम है मैं काम रहूं, मैक्सिमम सिचुएशंस में काम रहूं, और जितना ज्यादा पोलाइटली अगर कोई चीज बोल के किसी को ठीक कराई जा सकती है तो अच्छा है. बिकॉज अननेसेसरी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, उससे दूसरे का भी दिमाग खराब होता है, खुद का भी दिमाग खराब होता है. फिर अगर दो दो प्लेयर्स ऐसे टीम में करेंगे तो आई इमेजिन दो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो उससे टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है, टीम का माहौल खराब होगा, कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों का. आई थिंक ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, सिचुएशन से आती हैं, जो आपने चीजें देखी होती हैं, हैंडल की होती हैं, उन सब से आता है. बिकॉज मैं भी पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन या धीरे धीरे सीखा है ये सब चीजें, प्लेयरों से ही सीखी हैं, कोचिज से सीखी हैं. आई अंडरस्टैंड यू बिलोंग टू हरियाणा. आई नो देयर इज अ फेमस फ्रेज, यू नो, जाट की उल्टी खाट कहते हैं ना हम. ओके, विद नो ऑफेंसेस, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट प्रेप्स एंड एक्शन फॉर द वर्ल्ड कप? टीम के लिए मैम, टीम यस काफी रेडी है वर्ल्ड कप के लिए. उससे पहले हमारी प्रो लीग गेम्स है. मैं भी जैसे अभी काफी टाइम के बाद रिहैब से आई हूँ, तो मेरा यही है कि मैं मुझे खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि मैं यू नो दोबारा से अपने आप को वो रिदम में लेके आऊँ, दोबारा से वही लेवल पे परफॉर्म करूँ. यस, हमारे 6 प्रो लीग के गेम है और हम उसमें मैक्सिमम जो है हमने जो भी अभी ट्रेनिंग किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है. और वर्ल्ड कप या 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है तो बहुत साल यू नो उसकी वेट रहती है, 4 साल की. हम ओलंपिक्स के बाद अगर कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए हमें लगता है कि हमें उस टॉप लेवल पे खेलना है तो वर्ल्ड कप होता है. एंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी हम क्वार्टर्स में बाहर हो गए थे, तो इस टाइम यही है कि हम यू नो अपने पहले जो पूल गेम्स है हम उसमें अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, जीतें, एंड देन हम फिर मूव ऑन टू द जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है, क्वार्टर फाइनल से शुरू होता है, उसके बारे में सोचे. लेकिन यस, मैच बाय मैच खेलना चाहते हैं बिकॉज हम बहुत लंबा नहीं सोचना चाहते, बिकॉज देन आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते. जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते अगर आप ज्यादा लंबा सोच के चलते हो. ओके, सो लाइक हाउ वाज द ईयर, आई मीन द लास्ट ईयर पर्सनली फॉर यू? लास्ट ईयर अगर हम बात करें, अच्छा था. टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, हमारी टीम ने हमारी टीम का सेकंड ओलंपिक्स था वुमेन्स हॉकी का, एंड फोर्थ फिनिश किया.
यस इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग कि हम मेडल नहीं जीत पाए वहां पे, जिसके लिए एक एथलीट दिन रात मेहनत करता है। आपको दुख भी लगता है बिकॉज एक एथलीट बहुत सारी चीजों से गुजरता है जब वो ट्रेनिंग करता है उन सब टूर्नामेंट्स के लिए, जो सिर्फ एक एथलीट को ही पता होती है, फिजिकली मेंटली इमोशनली वो क्या क्या चीजों से निकलता है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना हाई होता है हर एथलीट से, प्रेशर इतना ज्यादा होता है उसके ऊपर, सारी कंट्री पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है और उसको एक्सपेक्टेशन को मैच करना है, तो उसके लिए उसको वैसे ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और जितना आप कंपटीशन में करते हो उससे ज्यादा आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कंपटीशन में खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 60 मिनट का मैच खेल रहे हैं तो मिनिमम हमें 2.5 आवर्स की हमें एक सेशन में ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो 60 मिनट खेलने के लिए। तो अच्छा था क्योंकि उसके बाद वुमेन हॉकी को एक डिफरेंट रिकॉग्निशन मिली जब हम कंट्री में वापस आए, तो हमें लगा कि लोगों में हॉकी के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है। लोगों ने, मुझे लगता है कि पहली बार लोगों ने सुबह उठ के 6-6 बजे वुमेन्स हॉकी के मैचेस देखे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा था अपनी कंट्री में हॉकी को लेके, स्पेशली वुमेन हॉकी को लेके। एंड आने के बाद लोगों ने जो प्यार, ऑनर, रिस्पेक्ट सब दिया, तो लगा कि शायद वुमेन हॉकी का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। पर्सनली उसके बाद अगर मैं करूँ, फिर मुझे इंजरी आ गई तो तब से मैं रिहैब में हूँ। वो काफी टफ फेस रहा मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि यस इंजरी जो है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ का पार्ट है, लेकिन जब आप उस पीरियड में होते हो तो बहुत सारी चीजें आप फेस करते हो, फिजिकली आप पेन फेस कर रहे हो एंड मेंटली बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती हैं कि आप किस लेवल पे खेलते हो, और वहां से आप नीचे आ जाते हो, फिर उस लेवल पे जाना आपको वापस। लेकिन यह डिफिकल्ट था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे गिव अप नहीं करना, बिकॉज सबसे इजी ऑप्शन था गिव अप करना कि छोड़ देना कि ठीक है नहीं हो रहा मेरे से, वो सबसे इजी था। बट आई थिंक मुझे इजी चूज करना अच्छा नहीं लगता। ये ऑफ कोर्स आई हैव सीन चक दे इंडिया मेनी अ टाइम्स एंड आई हैव सीन कोमल चौटाला आल्सो देयर, माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द मूवी। सीरियसली हरियाणा इज अ लैंड व्हिच इज एक्चुअली गिविंग आवर कंट्री मेनी स्पोर्ट्स पर्संस, मेनी लेजेंडरी पर्सनालिटीज व्हिच वी लुक अप टू ब्रिंग मोर प्राइड टू द कंट्री एंड वन इज यू। Like moving on to my next question, rehabilitation, like you were talking about, a word which inculcates in itself lots of mental pain, agony, and motivation. So, how was the journey? And also, please share your experience on pain and how did you motivate yourself? जर्नी बहुत डिफिकल्ट था, रिहैब का इतना इजी नहीं था, बिकॉज जब मुझे इंजरी हुई एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत पेन में रहती थी। रात को सोना है तो पेन हो रहा है, सुबह उठना है तो पेन हो रहा है, एंड वो चीज से गुजरना ना, बिकॉज आप जब सुबह उठते हो ना तो हर कोई भी इंसान हो वो यही चाहता है कि मेरा दिन अच्छा जाए, आज मैं अच्छा फील करूं, मैं पॉजिटिव रहूं। लेकिन जब आप उठी पेन के साथ रहे हो देन आपका डे ही स्टार्ट पेन के साथ हो रहा है, एंड यू कैन इमेजिन कि जब आपको पेन होता है तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हो, कितना इरिटेट होते हो उस चीज से ना। बट यार ये था कि हमेशा मैं यही सोचती थी कि ठीक है अगर ये टाइम भी निकल जाएगा, अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, बट डोंट नो कि ये कब तक रहेगा, ये आपको कभी पता नहीं होता कि ये कब तक रहेगा। फिर जैसे जैसे मुझे कोचिंग स्टाफ हमारा जो था, डॉक्टर फिजियो थे, उन्होंने मुझे बोला, जो प्रोसेस बताया कि इतना टाइम लगेगा, ये सब चीजें करनी है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज साइड लाइन पे रहना जब सब ट्रेन करते हैं, लेकिन आप भी ट्रेन करते हो लेकिन आप डिफरेंट वे में ट्रेन करते हो, आप कभी जिम जा रहे हो या कभी अपना कुछ कर रहे हो आप जो आपको बोला गया करने के लिए। मोटिवेटेड रहना भी बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज यस आप थोड़े दिन के लिए सोचते हो कि ठीक है आप किसी मिशन के लिए काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपको वहां पे पहुंचना है, बट यस अगेन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, एक स्टेज आती है जब आपको यू डोंट फील मोटिवेटेड कि मुझे आज सेशन करना है,
एंड सबसे डिफिकल्ट चीज होती है रिहैब में कि आपने 1 वीक के लिए रिहैब किया, देन यू फील लिटिल बिट फाइन, यू नो, यू फील स्टार्टेड फीलिंग कि आप बेटर हो रहे हो. नेक्स्ट वीक वो पेन फिर वहीं पे आ जाता है वापस ना, बिकॉज उसमें क्या होता है, आप आपके फिजियोज या डॉक्टर्स कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि क्या चीज उस इंजरी के लिए काम कर रही है क्या नहीं कर रही. तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन होती है तो कई बार चीजें ठीक हो जाती है, कई बार वापस वहीं पे आ जाती हैं. एंड देन यू फील लाइक कि मैंने एक हफ्ता वेस्ट कर दिया, यू नो. एंड मैंने सिर्फ 1 वीक का बात किया. समटाइम्स क्या होता है, 4 वीक काम करते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, देन नेक्स्ट वीक आप फिर नीचे फील करना शुरू कर देते हो कि मेरा फिर पेन वैसा ही है. एंड देन आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हो कि ये पेन जाएगा या नहीं जाएगा, मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है या नहीं है. देन आपके साथ जो लोग होते हैं वो आपको बिलीव कराना स्टार्ट कराते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है. लेकिन ये प्रोसेस है कि समटाइम्स इट गोज लाइक दिस, अप एंड डाउन ना. डिफिकल्ट था लेकिन दिमाग में था एक ही चीज ना कि ठीक है, गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन में ना. सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, लेकिन कोशिश करने की मैक्सिमम टाइम मैं पॉजिटिव रहूं, या मैं ज्यादा से ज्यादा जो एथलीट्स हैं उनके बारे में पढ़ूं कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया इन सब चीजों से ना, कैसे उन्होंने मेंटली इन सब चीजों से डील किया. एंड या जो आपके साथ लोग रहते हैं आप ट्राई करो कि उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि आप खुश रह सको और ज्यादा टाइम आप सिर्फ इंजरी के बारे में ना सोचो एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो कि इसके बाद जो होगा वो क्या, मतलब कितना अच्छा पीरियड होगा. कि अगर इमेजिन कि अगर आप पेन फ्री हो और आप अगेन कंट्री के लिए खेल रहे हो. मेरा तो ये था कि मुझे दोबारा वो जर्सी डाल के खेलना है कंट्री के लिए ना, मेरा वो एक मोटिव था. जब भी मैं लो फील करती थी तो मुझे ये था कि मैं मुझे दोबारा वो जर्सी डालनी है, यू नो, और उसके लिए मुझे सिंगल डे, एवरी सिंगल डे मुझे काम करना है. एग्जैक्टली. सो लाइक विद दिस मोमेंटम ब्रोकन, हाउ टफ इज इट टू मैनेज फिजिकल एंड मेंटल कंडीशनिंग एट अ हाई लेवल टू पीक एट द ओलंपिक्स? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? With momentum broken, like you were in rehabilitation, so like you know, how tough is it to manage physical and mental conditioning? अभी जैसे आने वाले सालों में ओलंपिक्स आने वाला है, तो आप अपने आप को कैसे गियर अप करेंगी, कैसे चार्ज करेंगी और कैसे डेली अपने आप को उस चीज के लिए मोटिवेट करेंगी? जैसे मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मुझे पेन फ्री होना है एंड यू नो, उसके बाद एक हॉकी आप इतने सालों से खेल रहे हो, फिजिकल फिटनेस के लिए आपके पास ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं जो आपको फिट करते हैं, इन द्वारा आपको ट्रेनिंग में लेके आते हैं. एक ही जस्ट आपको वो प्रोसेस में बिलीव करना है कि वो जो करा रहे हैं वो ठीक करा रहे हैं और जो आप कर रहे हो वो भी आप ठीक कर रहे हो. मतलब ऐसा आपको हर टाइम डाउट नहीं करना अपने ऊपर ना. यस, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है लेकिन जब आप धीरे 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 ट्रेनिंग शुरू करते हो, आप एक लेवल पे आ जाते हो टीम के, जब आपको लगता है कि आप अब उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, देन यस ऑफकोर्स उनसे ज्यादा आपको काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा स्टिल वो इंजरी को मैनेज करने के लिए. ऐसा नहीं कि एक बार एक इंजरी ठीक होगी, आपने वो काम करना छोड़ दिया, उसके बाद कोई मैजिक नहीं है कि वो इंजरी दोबारा नहीं हो सकती. आपको जैसे मेरा हमेशा से रहा है कि अगर ग्राउंड जा रहे हैं, अगर 8 बजे ट्रेनिंग टाइम है तो मैं मोस्टली क्या होती है, मैं 45 मिनट्स पहले चली जाती हूँ अपना इंजरी के लिए थोड़ा काम करने के लिए, कि आपको अलग से जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज एंड ऑल वो सब करनी है ट्रेनिंग से पहले, जिससे कि यू नो आपकी मेंटेनेंस रहे उस इंजरी की. ओके, सो लाइक वी हैव हर्ड रानी दैट यू हैव अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स, एनी रीजन स्पेसिफिक? सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति आपका एक फैसिनेशन है बड़ा तगड़ा, कोई खास वजह उसकी? नहीं, ऐसा कुछ है कॉमनवेल्थ गेम प्लेइंग एट कॉमनवेल्थ गेम्स, यू नो, एंड विनिंग देयर? यस, एवरी टूर्नामेंट इज स्पेशल मैम. जो भी आप कंट्री के लिए खेलते हो, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, कोई भी टूर्नामेंट हो, कॉर्नवेल गेम्स. यस, जब मैंने पहला कॉर्नवेल गेम्स खेला था तो वो इंडिया में हुआ था 2010 में, जो कॉर्नवेल गेम्स दिल्ली में हुआ था, तो तब से ज्यादा अच्छा लगने लग गया. यस, हमने मेडल नहीं जीता वहां पे, हम बहुत क्लोज मार्जिन से जो है हम वो सेमी से बाहर हो गए थे. बट या, कॉर्नवेल गेम्स एक अच्छा टूर्नामेंट है जहाँ पे मिक्स टीम्स आती हैं, लाइक यू नो एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन, तो अच्छा टूर्नामेंट होता है आपको कम्पीट करने के लिए ना, खेलने के लिए मजा आता है आपको, तो मुझे तो अच्छा लगता है.
So like you belong to such a humble background. Like in one of your interviews, once you even said that your father was, I mean, there was a time when your father was not able to buy a hockey stick for you. So your journey from poverty to the Olympic glory, say it all. यस जर्नी काफी टफ रही है, काफी टफ जर्नी रही है. जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि मैं बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे यू नो स्टार्टिंग में टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता होता था कि अगर हमने एक टाइम पे अगर हमने खाना खा लिया तो सेकंड टाइम पे हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है उस चीज की. मतलब हमने वैसा भी दिन देखे हैं और मुझे आज बताने में भी कोई शेम फील नहीं होती, बिकॉज हमने वो चीजों को फेस किया, उन चीजों से लड़े हैं एंड कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया. लेकिन कुछ चेंज करने के लिए मेहनत की कि हम कुछ जिंदगी में चेंज करें और जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ सके, कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ अपनी फैमिली की जो है वो लाइफ चेंज कर सके. बिकॉज पेरेंट्स ने शुरू से बहुत स्ट्रगल देखा है हमेशा से ना, लेकिन यस जो उनके लिए बेस्ट हो सका उन्होंने वो हमारे लिए किया जो वो कर सकते थे, एंड आई थिंक दैट वाज अ मोर देन इनफ जो उन्होंने किया हमारे लिए. जो उन्होंने मुझे एक्चुअली फ्रीडम दी खेलने के लिए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई कैन से कि उन्होंने मुझे प्रोवाइड की. आज से अगर 20 साल 22 साल पहले की बात करें, बहुत मुश्किल था हरियाणा में ना लड़कियों को स्पोर्ट्स कराना, जहाँ पे एवरी टाइम सुनने को मिलता है पेरेंट्स को ना कि आपकी लड़की खेलेगी बाहर जाएगी तो आपको बैड नेम लेके आएगी. और मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि उनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता हो या उनको पता हो कि स्पोर्ट्स खेलने से क्या होगा क्या नहीं होगा या कभी हमारी लड़की कंट्री के लिए भी खेलेगी या नहीं खेलेगी. सो वो सबसे लड़के मतलब उन्होंने मुझे खेलने के लिए फ्रीडम दिया, मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज थी. कि अफकोर्स वो स्टार्टिंग में नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत मनाना शुरू किया उनको कि अगर मैंने कुछ अच्छा ना किया तो आप मुझे हटा लेना हो किसी एंड ऑल. बट या आई थिंक आज सबसे ज्यादा प्राउड उन्हीं को फील होता है कि हमारा लाइफ का सबसे अच्छा अगर डिसीजन था तो वही था. बट मैंने जब भी मैं ग्राउंड पे उतरती थी तो मुझे यही रहता था, हमेशा उनकी पिक्चर मेरे सामने रहती थी कि मुझे कभी उनको लेट डाउन नहीं करना यू नो सोसाइटी के सामने ना, कि कभी मेरी वजह से बाकी लड़कियों के रास्ते बंद हो, कि बाकी पेरेंट्स बोलें कि नहीं उन्होंने लड़की को खेलने के लिए भेजा था तो ऐसा किया वैसा किया कुछ किया नहीं है, तो मुझे बाकी लड़कियों के रास्ते बंद नहीं करने और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है लड़कियों के लिए पेरेंट्स के लिए ना, कि जिससे सबको लगे कि हम भी अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स करा सकते हैं या पेरेंट्स को लगे कि यू नो एक इसमें भी करियर बन सकता है लड़कियों का. सो दिस इज दंगल फिल्म इन रियल. हाँ मारी छोरी छोरों से कम है कि आपके पापा भी कहते होंगे हर एक से. नहीं बिल्कुल कहते हैं, वो सबको कहते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं होती किसी से, जस्ट उनको अपॉर्चुनिटी देने की बात होती है या उनको सपोर्ट करने की बात होती है. सपोर्ट इन द सेंस के डजंट मीन कि आप यू नो उनको फाइनेंशियली ही सपोर्ट करो, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जो होती है ना, सिर्फ एक पेरेंट कभी यही बोल देना कि तुझे जो लाइफ में अचीव करना है तू कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं, वो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है. यू नो उससे बड़ी सपोर्ट आपको मिल नहीं सकती, बिकॉज फाइनेंशियली क्या होता है, आई नो मैं भी फाइनेंशियली बहुत पुअर बैकग्राउंड से आई हूँ. जब आप कुछ करने लगते हो ना लाइफ में और आप अगर मेहनती हो ना और आपका आपकी नीयत साफ है कुछ करने के लिए, कुछ एम है लाइफ में, तो बिलीव मी हमारी कंट्री जैसी कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ पे लोग आपको हेल्प नहीं करते. आपको रास्ते में ना उस जर्नी में कोई ना कोई मिल ही जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं यू नो. बिकॉज हमारे यहाँ तो इतने लोग हैं ना, अगर किसी को कुछ पता चलता है कि वो बच्चा इतना मेहनती है और वो यू नो इतना अच्छा कर रहा है, तो लोग तैयार हो जाते हैं उसके लिए कुछ करने के लिए, चलो मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ. तो लेकिन ये कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का ना, वो मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए. What did Modi ji say in his call to you after the real Chakde moment at Tokyo Olympics? ओलंपिक्स के जब हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वो खत्म हुआ और हम जब हार गए तो हम सब बहुत रो रहे थे, बिकॉज इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग. एंड उन्होंने तब बोला फोन पे ना कि तुम रो मत, पहले सब चुप हो और तुम हारे नहीं हो, यू नो तुम हमारे सबके लिए जीते हो, हमें तुम्हारे सबके ऊपर बहुत गर्व है और पूरे देश को गर्व है. तो वो काफी मोटिवेशनल वर्ड्स थे उनके कि
कभी आज तक हुआ नहीं कि कभी किसी ने हारने के बाद स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने कभी कॉल किया और टीम को ऐसे मोटिवेट किया हो। इवन हम जब वापिस आए और उनके साथ मीटिंग था सभी एथलीट्स का, टोक्यो ओलंपिक्स के जितने भी एथलीट्स थे, तब भी उन्होंने वही बोला कि तुम्हें यू नो निराश नहीं होना कि तुम हार गए हो, पूरे देश को तुम्हारे ऊपर गर्व है, तुम ये सोचो कि तुमने कितनी लड़कियों को प्रेरित किया है और यू नो कंट्री में हॉकी खेलने के लिए। और वही मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को प्रेरित करो कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हॉकी खेलें। Agreed, agreed. So we know, Rani, that you are a pizza-loving girl and like listening to Diljit Dosanjh and also like watching Sachin Tendulkar playing. Is that so? No, that's not true. That's not true. Okay. So then, which cuisine do you like the most? Sorry? क्या खाना पसंद करती हैं आप? आपको अब हमने सुना था कि आपको नहीं, जंक फूड में मुझे है, जंक फूड में मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन अगर गानों की बात करूं तो मैं गुरदास मान या फिर सतिंदर सरताज को मैं उनके गाने ज्यादा सुनती हूँ, बिकॉज उनके गाने काफी पीसफुल एंड मीनिंगफुल होते हैं। बाकी okay, गेम देखना तो जितने भी को भी कोई इंडिया का एथलीट खेलता है सबको देखना अच्छा लगता है, जब भी कोई कंट्री के लिए खेलता है तो। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, द स्टीरियोटाइपिकल थॉट्स दैट यू मस्ट हैव फेस्ड, लाइक यू नो इन योर इनिशियल डेज यू वर स्टॉप फ्रॉम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग, सो योर टेक ऑन सोसाइटी, वुमेन एंड स्पोर्ट्स। होता है वो रूरल एरियाज में सब जगह पे होता है, जहाँ पे ये सब बातें होती हैं, बिकॉज यस इंडिया बहुत चेंज हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे, और आई थिंक मे बी पेरेंट्स भी शायद कुछ चीजों से डरते हैं बिकॉज समटाइम्स उन्होंने कुछ ऐसा देखा होता है लाइफ में लड़कियों के साथ ना, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उनकी लड़की सेफ रहे, कुछ ऐसा ना हो उनके साथ यू नो लाइफ में, तो वो अपनी जगह सही होते हैं एंड बच्चे अपनी जगह सही होते हैं क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स भी यू नो बच्चों को आगे बढ़ता ही देखना चाहते हैं, लेकिन शायद वो पेरेंट्स का जो दिल होता है ना अपने बच्चों के प्रति, वो सेफ्टी पर्पस होता है, वो शायद थोड़ा बहुत ही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफी सेंसिटिव रहते हैं हमेशा, जब आप पेरेंट्स बनते तो भी पता चलता है, बिकॉज ये कहावत तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती है, जब मैं उनको कुछ बोलती हूँ कि आप ऐसा ही बोलते हो, तब मुझे यही बोलते हैं कि जब तेरे बच्चे होंगे तो तुझे पता चलेगा यू नो कैसे फिक्र करते हैं बच्चों की ये सब चीजें। तो आई कैन इमेजिन कि वो पेरेंट्स का जो प्यार है बच्चों के प्रति वैसा रहता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, अभी वैसा नहीं है जैसा पहले था इतना, आजकल तो काफी कुछ लड़कियों के लिए चेंज हो गया, बहुत सारी स्कीम्स लड़कियों के लिए आती है कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट लड़कियों को ज्यादा बढ़ावा देती है और आगे बढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी चेंज हो जाएगा, बट यार पिछले काफी सालों में तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। ओके, सो लाइक योर मैसेज to the girls out there who are listening to you but in haryanvi, mujhe haryanvi nahi aati bolni to chalo hindi mein de do thoda thoda haryanvi ka touch। ha mera sabko yahi message hai girls ko, you know just believe in yourself and don't think ki aap life mein kuch kar nahi sakte ho, just बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप में बिलीव करना शुरू करेंगे देन ओनली बाकी लोग आपके ऊपर विश्वास यू नो बिलीव करना शुरू करेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिंदगी में जो हम अचीव नहीं कर सकते, अगर हम अपनी बॉडी सोल माइंड उसमें डाल के काम करें तो सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, यू नो एंड नेवर थिंक कि हम किस फैमिली से आए, किस बैकग्राउंड से आए हैं या हम वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो लोग वहां पे पहुंचे हैं उन्होंने भी कहीं से शुरू किया था, तो हम भी कर सकते हैं एंड हमें किसी ने इंस्पायर किया एंड इंस्पायर अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर दीज गोल्डन वर्ड्स रानी।
थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.